कुलदीप बिश्नोई के पाला बदल यानी कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके कारण आदमपुर सीट रिक्त थी। अब चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही यहां राजनीतिक दलों की रणभेरी भी बज गई। सबसे पहले आप आदमपुर विधानसभा सीट की ऐतिहासिक राजनीति की जानकारी लीजिए। हरियाणा के कुल 90 विधानसभा सीटों में आदमपुर महत्वपूर्ण सीट। आदमपुर में पहली बार 1967 में चुनाव हुए। शुरुआत से आदमपुर में कांग्रेस के नेताओं का दबदबा रहा। आदमपुर भजनलाल परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। 1968 से आदमपुर सीट पर भजनलाल परिवार का है दबदबा। आदमपुर से 9 बार विधायक रहे हैं पूर्व सीएम भजनलाल। आदमपुर से 4 बार विधायक बन चुके हैं कुलदीप बिश्नोई। साल 2019 में कुलदीप बिश्नोई जीते थे आदमपुर विधानसभा का चुनाव। साल 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे कुलदीप बिश्नोई। अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं कुलदीप बिश्नोई। अब एक नजर आप आदमपुर के अंकगणित पर भी डालिए। कुलदीप बिश्नोई ने दर्ज की थी जीत। 29,471 वोटों से जीते थे बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई को मिले थे 51.7% वोट। दूसरे स्थान पर रही थी सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट को मिले थे 27.78% वोट। सोनाली फोगाट को पड़े थे 34,222 वोट। कुलदीप बिश्नोई को मिले थे 63,693 वोट। इसमें कोई दो राय नहीं कि आदमपुर सीट हमेशा से भजनलाल परिवार का गढ़ रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि आदमपुर की जनता ने भजनलाल परिवार को बिना पार्टी सिंबल देखे विधानसभा पहुंचाने का काम किया। इसमें चाहे हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल को 9 बार विधानसभा पहुंचाना शामिल हो या फिर उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई को 4 बार विधानसभा पहुंचाना। लेकिन उपचुनाव के मामले में भाजपा का गणित हरियाणा में एक तरफा नहीं रहा। ऐसे में आदमपुर को लेकर भाजपा की भविष्यवाणी कितनी सही होगी, ये देखने वाली बात होगी। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या हुड्डा कांग्रेस की जीत के दावे की नैया पार लगा पाते हैं या जोश केवल बयानों तक ही रह जाएगा। इनेलो इस उपचुनाव में सिंगल का टैग हटा पाती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वहीं नए मेहमान आम आदमी पार्टी का स्वागत हरियाणा की राजनीति कैसे करती है, ये जानना भी दिलचस्प होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब आदमपुर पहुंचे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हरियाणा। धन्यवाद। किस प्रकार का चुनाव प्रचार जो है वो आपका चल रहा है सर फिलहाल? देखिए बहुत अच्छी स्थिति में है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो हम आके यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले ही लोग जागरूक हैं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई जी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और भव्य बिश्नोई जी की जीत होगी। अब जीत का दावा कर रहे हैं तमाम जो दिग्गज हैं आपके विपक्ष में, जो तमाम जो नेता हैं वो भव्य को ही कह रहे हैं कि बाहर से आया है। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को बातचीत करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, भव्य के लिए लंदन जाना पड़ेगा, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए निराधार है आरोप, ये तो सारे के सारे लोग हैं। बहुत लोग हैं जो बाहर पढ़ के आते हैं। अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर गया, इंग्लैंड गया या कहीं भी गया तो पढ़ते हैं। बहुत लोगों के बच्चे बाहर पढ़ के आए हैं। मुझे लगता है कि दीपेंद्र जी भी शायद बाहर ही पढ़ के आए, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत लोगों के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ के आते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जब लोग उनको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो फिर आ रहा है कि लोगों के बीच में काम करेंगे। और पढ़ाई करना और बाहर जाना ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। आप अभी एक पीपीपी का जिक्र कर रहे थे, परिवार पहचान पत्र का, तमाम जो सेवाएं हैं उसके साथ जोड़ दी गई हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आरोप है कि परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ने से बुजुर्गों की जो पेंशन है वो काटी जा रही है। हमने अभी तक किसी की पेंशन नहीं काटी। इनके दो बातें हैं कि एक तो हमने पेंशन काट दी, अभी हमें दिखाओ कोई। हमने जो पेंशन कटी वो जिनकी व्यक्तिगत आमदन 2 लाख से ज़्यादा है। मान लीजिए मेरी पेंशन है, मेरी आमदन अगर 2 लाख से ज़्यादा, तब अगर मेरे बेटे की आमदन 10 लाख भी है तो उसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। मेरी अगर मेरी और मेरी पत्नी की आमदन 2 लाख से ज्यादा तब पेंशन कटेगी। ऐसे वो बार बार कह रहे हमने 5,000 स्कूल बंद कर दिए, वो एक स्कूल भी नहीं बता सके। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो बताओ 6,000 कुछ गांव हैं, तो अगर इस हिसाब से लगाएं तो 7 गांव में से 5 गांव ऐसे को जहाँ स्कूल बंद होगा, दिखाओ तो ना कहाँ बंद होगा। पूरे प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं है। 105 स्कूल बहुत पहले
इसलिए बंद कर दिए थे कि उनमें 20 से भी कम बच्चे थे, लेकिन 66 गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे पूरे कर दिए। हमने दोबारा फिर स्कूल खोल दिए। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, चुनाव प्रचार कर रही है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चुनाव प्रचार में आदमपुर पहुंचे हैं। एक वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दावा करते हैं कि दिल्ली जो मॉडल है वो हरियाणा में लागू करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की जो दुर्दशा हरियाणा में है उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं तो ये कहूंगा जब इतना बढ़िया मॉडल है उनके पास तो देश के और प्रदेश आते हैं वहां से पूछने। जैसे मेरे पास ट्रांसफर के लिए अभी उत्तराखंड के लोग आए थे, 16 प्रदेश हिंदुस्तान के ऐसे हैं जो हमारे से पूछने हैं कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। अगर अच्छी तब पूछने है ना, उनसे भी कोई पूछने आता मेरे हाल एक प्रदेश भी नहीं अभी तक। जितने सर्वे हुए दिल्ली 10वें नंबर पे भी नहीं आया अब तक, पहले 1 से लेके 10वें नंबर पे दिल्ली कहीं नहीं आया अब तक, जबकि हरियाणा 3रे 4थे नंबर पे रहा है, जबकि पंजाब पहले नंबर पे रहा। अब अगर उसका श्रेय लेना चाहे वो पहले नंबर पहले ही था, उनका नहीं है। दूसरा वो कहेंगे हमारी मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो उसका तब पता चलेगा जब एकदम कोई इमरजेंसी आएगी कि आपकी कैसी है कैसी नहीं। अभी कोरोना आया था, अभी आप हिसार के CMO को फोन पता कर लो, मैं हिसार में खड़ा ना जी, आप हिसार के CMO को पता कर लो कि भाई कोरोना काल में दिल्ली के कितने पेशेंट हिसार में आए थे, आपको पता चलेगा कि सैकड़ों पेशेंट यहां दाखिल थे। अगर आप यमुनानगर में करोगे तो यमुनानगर में थे, हर जिला ऐसा है जहां वहां के पेशेंट थे। पहले क्या होता यहां से पेशेंट दिल्ली जाता, तो ये आम आदमी की खूबी है कि उन्हें इतनी बड़ी व्यवस्था करी कि पेशेंट उल्टा दिल्ली वाला यहाँ आने लग गया, तो यही उनकी काबिलियत है। एक सर आम आदमी का पार्टी का जिकर आता है तो एक सवाल और जहन में आता है, SYL का सवाल। तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे पूछा जाता है तो उनका स्टैंड क्या है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि अगर आपके पास विचार है, कोई और प्लान है, तो प्रधानमंत्री को कहे हमें चाय पे बुलाए और वो प्लान जो है हम बताएंगे किस प्रकार से SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा। वो अपने आप ही बता दो कैसे देंगे पानी। देखिए कोई भी कोई झगड़ा होगा तो यहाँ गांव में कोई झगड़ा होगा तो पंचायत एक फैसला करेगी, और पंचायत अगर हमारा मतलब मालूम कोर्ट में नहीं जाते गांव में फैसला करते हैं तो पंचायत एक फैसला करेगी, तो दोनों पक्ष कहेंगे ठीक है जो पंचायत कर देगी हम मान लेंगे, लेकिन अगर पंचायत में नहीं होता तो कोर्ट करेगी। और यहाँ सबसे बड़ी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हरियाणा के पक्ष में कर दिया कि इनको पानी देना चाहिए, इनका पानी बैठता है। अब अगर कोई आदमी कहेगा मेरे पास तो सरप्लस नहीं है, अब मैंने आपके पैसे देने और आप मेरे से पैसे मांगने आगे, मैंने लिए थे आपसे देने आपके और आप कहें जी मेरे पैसे दो, मैं तो मेरे पास सरप्लस नहीं है, ये कोई बात हुई सरप्लस नहीं है। अरे भाई देने आपके लिए रखे या कोई बात है, जब हम भाई भाई थे, हम इकट्ठे थे, हम अलग हुए थे तो हमारा हिस्सा बैठा था उसमें, इसका क्या कहना कि हमारे पास सरप्लस है नहीं है, जो हमारा हिस्सा था मर दे दो। अरे ये फैसला कोई मारा नहीं, हम तो अपने पक्ष में बोल सका, लेकिन ये फैसला कोर्ट का, और कोर्ट की बात सबको माननी चाहिए। सरकार की ड्यूटी है कि कोर्ट कोई भी फैसला है उसको इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी सरकार की है, और सरकार अपने ऊपर ही अगर इंप्लीमेंट ना करे तो बड़ा भारी गलत है, मैं समझता हूँ। मैं आपका संबोधन भी सुनना था, एक गेस्ट टीचर्स के लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई है ट्रांसफर्स को लेकर, तो वो पॉलिसी क्या है सर एक बार बताएंगे। देखिए अभी हमने गेस्ट टीचर की ट्रांसफर की थी, पहले हम इनके एडजस्टमेंट करते थे, अब की बार हमने इनके जो ड्राइव था उसमें उनको शामिल कर लिया। अब कुछ तो इनका अनुभव नहीं था, किसी तरीके से जो भी गलती आई उसकी वजह से इनकी ट्रांसफर काफ़ी दूर दूर होगी, और जब इनकी काफ़ी दूर ट्रांसफर हुई तो मैंने अपने आप ही उसमें इनिशिएटिव लिया और मैंने इनके जो यूनियन थी उसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा कि सारा कुछ ये बढ़ाया गया, मुझे भी इसकी दिक्कत रही कि ऐसे ऐसे बदल गए, तो आप इसमें क्या करें। गलती उन्हीं की थी कि उन्होंने गलत उसमें भर दिया, तो फिर हमने कहा इसको ठीक तो करना, तो फिर माने मुख्यमंत्री से बात की, सारे अधिकारियों को बुलाया सारा करें, और इनकी यूनियन को फिर दोबारा बुलाया हमने, और हमने उसमें फैसला किया कि जितने भी गेस्ट टीचर हैं हम उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले उनका डिस्ट्रिक्ट देंगे, कि पहली चॉइस उनकी डिस्ट्रिक्ट है उनको डिस्ट्रिक्ट देंगे। लेकिन अगर गेस्ट टीचर के लिए वहाँ जगह ना और ज़्यादा हो, गेस्ट टीचर मान लीजिए पोस्टें ही 40 हों और गेस्ट टीचर 60 हों, तो फिर 20 को कहीं और देना पड़ेगा, तो उनके लिए भी हमने ये कहा कि जो लगता है डिस्ट्रिक्ट है उनके डिस्ट्रिक्ट से, उनमें से कोई से भी डिस्ट्रिक्ट के अगर वो चॉइस करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको जगह देंगे। एक रैशनलाइज आपने टीचर्स को किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि टीचरों की जो कमी है वो लगातार आपने भी माना है उस चीज़ को, कितने टीचरों की कमी है रैशनलाइज होने के बाद, और कब तक ये जो कमी है उसको पूरा किया जाए। देखिए अभी तक पूरी उसकी जानकारी नहीं मिली कि कितनी है, और हम अभी 20,000 से ज़्यादा टीचरों की भर्ती करने वाले हैं। अभी मेरे पास पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा आपका नहीं है, मेरे पास था लेकिन अभी कागज नहीं है नहीं पूरा, लगभग 11,500 के करीब तो हम परमानेंट भर्ती करने लग रहे हैं, और दूसरे हम
जो टीचर हैं वो अपना कौशल विकास के माध्यम से रखने वाले हैं, तो लगभग 20,000 टीचर हम रखने वाले हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद हम डीओ को पावर देने वाले हैं कि डीओ भी अपने तौर पे अगर कहीं टीचर ज्यादा हैं कम है तो उसको रेशलाइज कर सकेगा। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, आजकल आदमपुर चुनाव में तमाम जो दिग्गज हैं अपनी अपनी पार्टियों के एक पर्सनल हमला जो है नेताओं पर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक आपत्तिजनक जो है शब्दों का यूज किया जाता है, तो इस राजनीति को आप कहाँ देखते हैं? बिल्कुल गलत है, किसी के ऊपर भी ना ही तो व्यक्तिगत हमले करने चाहिए और ना ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीति जो है आप अपने विचार रखने के लिए, आप अपने विचार को मजबूती के साथ ताकत के साथ अपने विचारों को रखो, वो आपका काम है, लोगों को सहमत करो अपनी बात से, लेकिन किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल अशोभनीय है और ये राजनीति में अच्छा लगता है। 26 साल बाद आदमपुर सत्ता में वापसी करेगा? निश्चित तौर से करेगा, 100% करेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कंवरपाल गुज्जर। आदमपुर का महासंग्राम जारी है, आदमपुर को चौथे उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आदमपुर के लोग 26 साल से विपक्ष की जो भूमिका है वो निभा रहे हैं, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब मौजूद हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा सर, आदमपुर को उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? आदमपुर में जो यहाँ से हमारे विधायक रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने बार बार पार्टी बदलने का काम किया जी। वो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ की वजह से पार्टियां बदलते हैं और जिस रूप में वो फैसले लेते हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी दृढ़ता से आज ये कहने में असमर्थ हैं कि वो कौन सी पार्टी अच्छी है। 3 महीने पहले तक उनको कांग्रेस अच्छी लगती थी और क्या लगता था बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। उससे 3 साल पहले तक उनको लगती थी कि वे बीजेपी अच्छी है और कांग्रेस ने भट्टा बिठा दिया। उससे 4 साल पहले उनको लगता था कांग्रेस अच्छी है और वो कांग्रेस पार्टी में थे। तो वो इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के, आदमपुर के लोगों को क्या लाभ मिला इतनी पार्टियां बदलने से? आज आदमपुर की दुर्दशा जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो कहीं स्थायित्व से राजनीति उन्होंने करी नहीं जी। तो लोग इससे त्रस्त है और लोग वोट की चोट से बदलाव चाहते हैं आदमपुर में। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको जो मान सम्मान की जो बात कही थी, मान सम्मान मिलेगा, वो मान सम्मान नहीं दिया। राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, लगातार वो समय भी मांग रही थी, उसके चलते वो नाराज थे और उस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, वर्किंग कमेटी के, इससे ज्यादा क्या हो? कांग्रेस मान सम्मान देगी? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में उनकी गिनती थी, कांग्रेस ने उनको पूरा मान सम्मान दिया। भाजपा में क्या मान सम्मान मिला? कांग्रेस में वो जो है कभी सीएम पर के दावेदार रहते थे, कभी कांग्रेस में उनके भाई चंद्रमोहन जी डिप्टी सीएम बने थे। अब बीजेपी में क्या मिल रहा है उनको? सीएम खट्टर साहब हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं, सारा मंत्रिमंडल बटा हुआ है। आदमपुर की जो लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की, उसमें 32वें नंबर पे कुलदीप बिश्नोई जी आए। तो बीजेपी में कौन सा क्या मान सम्मान? इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जो है ये बेवकूफ़ी होगी कि उन्होंने कांग्रेस में जो इतना मान सम्मान मिल रहा था उसको वो समझ नहीं पाए और भाजपा के अंदर क्या उनको मिलेगा, ये आज प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, वो ये लगातार ये कह रहे हैं कि भव्य बाद आदमपुर को संभालेगा और वो केंद्र की राजनीति करेंगे। राजस्थान बेसिकली वो जाना चाहते हैं, बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, बीजेपी भी उनकी वहाँ ड्यूटी लगाने की जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कुलदीप बिश्नोई? देखिए, मेरे को अभी कोई व्यक्तिगत उनके बारे में, उनकी क्या रहेगी उस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना आता उससे, मगर आज के दिन जो उनके फैसले रहे हैं उससे वो खुद भी स्वयं भी राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए और आदमपुर का विधानसभा क्षेत्र भी विकास के मामले में पिछड़ा है। विकास की अगर बात की जाए, आप भी विकास की बात करें, विकास पर चर्चा कर लेते हैं, विकास की अगर बात की जाए तो पिछले 2.5 महीने में 530 करोड़ रुपए का जो काम है वो करवाने की बात जो है कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर आदमपुर सत्ता में आता है तो आने वाले 2 साल में विकास की बौछार जो है आदमपुर में आने वाली है। देखिए, कोई विकास कार्य तो आदमपुर में धरातल पे आपको दिखाई नहीं देगा जी। आज आदमपुर की दुर्दशा, आप सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क दिखाई देंगे, मंडी में परिस्थिति है, धूल और मिट्टी उड़ती दिखाई देगी, मंडी में परिस्थिति है, स्कूल बंद होते दिखाई देंगे, आदमपुर के
बहुत से गांव में बच्चे, गरीब आदमी का बच्चा स्कूल के आगे धरने में बैठा है कि मेरे स्कूल को बंद मत करो, किसान धरने में बैठा है चार चार महीने तक कि हमें मुआवजा मिले। ये स्थिति हो गई है आदमपुर क्षेत्र की, ये स्थिति हो गई है। आड़ती धरने में बैठे हैं कि मंडी को बंद मत करो हमारी। तो आज हर वर्ग जब धरने में बैठने मजबूर हो जाए अपने नई काम के लिए नहीं, अपने पुराने हकों को बचाने के लिए, तो उसको दुर्दशा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। वहीं आप स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी प्रचार के दौरान यहाँ आए थे, हमने उनसे सवाल भी पूछा है कि स्कूल जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, ऐसा लगातार जो है चर्चा चल रही है, लोग जो हड़ताल कर रहे हैं ग्रामीण, तो उनका कहना है कि स्कूल जो है वो बंद नहीं किए जा रहे। हालांकि 105 स्कूल उन्होंने बंद किए थे, 166 स्कूल दोबारा से चालू कर दिए गए हैं। अब स्कूलों को मर्ज किया गया है, पहले प्रिंसिपल हेड मास्टर पांचवी का अलग, टीचर हो हेड टीचर होता था, आठवीं का अलग, दसवीं का अलग, बारहवीं का प्रिंसिपल अलग होता था, अब उनका चौधरी जो है स्कूल का एक बना दिया, जिसके चलते ये भ्रामक प्रचार जो है विपक्ष फैला रहा है। देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय 12 नई विश्वविद्यालय बने हरियाणा के अंदर, 90 नए कॉलेज स्थापित किए सरकारी कॉलेज, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार हो, चाहे वो भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी खानपुर में हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में हो, चाहे वो चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी मुरथल के अंदर हो, चाहे वो YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर हो, तो ये कुल मिलाकर 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, 90 कॉलेज हरियाणा के अंदर स्थापित किए गए सरकारी, और 150 ITI और पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर सरकारी स्थापित की गई, और 2500 के लगभग स्कूल हरियाणा के अंदर नए बनाए गए, जिसमें जो नए बने या जो स्कूल जो अपग्रेड किए गए। दुख की बात यह है कि और साथ में 10 साल की सरकार में 1,00,000 से ज़्यादा शिक्षा महकमे में भर्ती की गई जो हमारी सरकार थी। इस सरकार में 8 साल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। तो जब शिक्षक ही भर्ती नहीं होगा, ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि शिक्षक सरकारी नौकरी समाप्त कर दिया आपने, शिक्षकों की भर्ती नहीं करी, उनको जो है किसी ना किसी रूप में उन पदों को समाप्त कर दिया गया। तो जब शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी सरकार, की नीयत और नीति ये रहेगी कि सरकारी शिक्षक भर्ती ना हो, सरकारी स्कूल धीरे धीरे कम हो, चिराग योजना भी उस दिशा में ही एक कदम है, तो ये जो नीति है इससे हरियाणा गरीब किसान के बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए खासतौर पर ग्रामीण अंचल में, आज वो कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं मिल पा रही है, और यही हमारा संघर्ष है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सरकार थी तो कांग्रेस एहसान की राजनीति करती थी, लोगों पर एहसान करने, उनके काम करवा कर एहसान करती थी, और हमारी जो राजनीति है, हम जो सरकार चला रहे हैं वो सिस्टम को सुधारने का लेकर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पोर्टल जो है तमाम लागू कर बनाए गए हैं, अब हर व्यक्ति का काम घर बैठे इजिली हो जाता है, और कांग्रेस राज में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। ये तो कहने की बात है, इसमें तो कोई, ये तो कहने को तो कोई कुछ कहे। एक आप परिवार पहचान पत्र को लेकर भी सवाल उठाते हैं, बुजुर्गों की पेंशन काटी जाती है, 5,00,000 बड़े बुजुर्गों की पेंशन समाप्त की, खत्म हो गई हरियाणा में, खारिज कर दी गई, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात रही हो, चाहे वो उसकी वजह से बहुत से ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनको मृतक घोषित दिखा दिया गया कागजों में, तो और उन्होंने धरने देने पड़े, ये स्थिति आ गई हरियाणा में। तो हमने कहा है कि ये जो पेंशन काटी गई है, तमाम बुजुर्गों की पेंशन दोबारा से बनाई जाएगी, और ब्याज समेत उनको पुराना ड्यू सारा दिया जाएगा, और जब कभी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज़्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन करके हरियाणा के हर बुजुर्ग को दी जाएगी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में थे, और वो स्टेज से मन से आरोप लगा रहे थे कि 3D की जो सरकार है वो हुडा सरकार थी, उसमें दामाद की चलती थी, इस प्रकार के जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं दरबारियों की चलती थी, डीलर्स की चलती थी। देखिए जहाँ तक केंद्रीय गृह मंत्री जी की बात है, 9 साल पहले केंद्र में सरकार बनी बीजेपी की सरकार, 8.25 साल पहले हरियाणा में भाजपा सरकार बनी, तो 8-9 साल हो गए इनको, 8-9 साल के बाद इनको ये बताना चाहिए कि इन
दो सरकार, दो टर्म की सरकारों ने हरियाणा में क्या किया, अपनी उपलब्धियां बताएं। आज हम अपने काम बताकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आदमपुर में भी अपने काम बताकर, हमारे समय आदमपुर में 19 गांव के अंदर वाटर वर्क्स बने, हमारे समय आदमपुर में 2 दर्जन गांव के अंदर खेल के स्टेडियम बने, हमारे समय आदमपुर के हर गांव के अंदर ग्रामीण विकास हुआ, गलियां इंटरलॉकिंग टाइल पक्की गलियां बनाने का काम हुआ, मंडी के अंदर सड़कें बनी, मंडी की जो मेन सड़क है वो बनी, आदमपुर में नेशनल हाईवे से आदमपुर को कनेक्ट किया गया, चाहे वो हिसार डब्बाली का नेशनल हाईवे है वो भी आदमपुर को टच करता है, और चाहे वो जो राजस्थान हिसार कैथल अम्बाला का नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवेज आए आदमपुर के आसपास। औद्योग ये खेदड़ के अंदर बिजली का बहुत बड़ा थर्मल का कारखाना लगा और परमाणु का कारखाना फतेहाबाद, ये हम अपने काम बताकर। तो हिसार के अंदर लाल लाजपत राय यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। खट्टर सरकार एक काम बताए, 9 साल में एक काम बताए, ये अमित शाह जी एक काम बताए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 9 साल के बाद भी उनको अपने हरियाणा में आकर उनको अपने स्पीच में हुड्डा साहब को और हुड्डा सरकार को निशाने पर रखना पड़ता है। इससे हमें हमारा आत्मविश्वास जरूर जागता है, यानी कि लोगों में हमारे प्रति कांग्रेस पार्टी की सरकार की के प्रति लोगों की कहीं ना कहीं भावना, उनको उनको रिपोर्ट मिली होगी, तभी वो निशाने पे हमें रख रहे हैं, अपने काम नहीं बता रहे। लेकिन इसका ये भी पता चलता है, इसकी उनकी भी पोल खुलती है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक संगठन को लेकर सवाल रहेगा सर, पिछले 8 साल से आप लोग संगठन नहीं बना पाए। अंतिम सवाल रहेगा सर, पिछले 8 साल से आप लोग संगठन नहीं बना पाए, लगातार दावा किया जा रहा है जल्द से जल्द संगठन बनाया जाएगा, ऊपर से आपके कुछ साथी भी नाराज हैं, चाहे किरण चौधरी की बात कर लीजिए, रणदीप सुरजेवाला की बात कीजिए, कुमारी शैलजा की बात कर लीजिए, वो क्यों प्रचार के लिए नहीं पहुंच पा रहे सर? कोई नाराज नहीं है, हर कांग्रेस पार्टी संगठित रूप से चुनाव लड़ रही है, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और हर कांग्रेस का नेता की यही भावना है, यहाँ से हम जीते और सबका पूरा समर्थन मिल रहा है, हर अपने जो भी समय अनुसार जो समय दे सकता है वो समय दे रहा है, जो अपने कार्यकर्ताओं को की ड्यूटी लगा सकता है कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहा है, सबका यहाँ पर पूर्ण रूप से पूरा साथ और समर्थन हमें मिल रहा है। जीत को लेकर आश्वस्त है? पूरा जीत हो, आदमपुर में बदलाव आएगा, आदमपुर से बदलाव आएगा, आदमपुर में लोग आदमपुर में बदलाव के लिए मतदान करेंगे जैसे मैंने कहा, और आदमपुर में लोग हरियाणा में भी बदलाव के लिए मतदान करेंगे। हरियाणा में हुड्डा सरकार और खट्टर सरकार को तराजू पे तोल के आदमपुर के लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि दोबारा से हरियाणा में विकास और खुशहाली का समय वो दौर वो दोबारा देखना चाहते हैं। मार्जिन कितना रहने वाला? निर्णायक मार्जिन से हम जीतेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही पलड़ों को तराजू में तोला जाएगा, आदमपुर के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कामों को भी तोलेंगे और कांग्रेस के भी कामों को तोलेंगे, उसके बाद अपना निर्णायक जो फैसला है वो लेंगे, और इस फैसले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत उनको नजर आ रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज आदमपुर।